दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने ये बताया था कि जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है वो आपको लैपटॉप में क्यों देखने को नहीं मिलता। और अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख लो। और हाँ, उस वीडियो के कुछ टाइम के बाद क्वालकॉम ने अपना नया प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8CX को लॉन्च कर दिया, जो कि स्पेसिफिकली लैपटॉप्स के लिए बनाया गया है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि जो बात मैंने उस वीडियो में बोली थी ना, वो अभी भी सही है और वो आगे भी काफी हद तक सही रहने वाली है। लेकिन अभी बात करते कि स्नैपड्रैगन 8CX है क्या और क्या वो सच में लैपटॉप के लिए बनाया गया। तो देखा जाए तो क्वालकॉम ने तो यही बताया कि स्नैपड्रैगन 8CX है ना, वो डिजाइन किया गया पीसी मार्केट्स के लिए। और उन्होंने क्या किया कि जो स्मार्टफोन के लिए स्नैपड्रैगन 855 बनाया था ना, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जो आने वाले समय में जो लैपटॉप्स और जो टैबलेट्स आएंगे ना उनके अंदर लगाया जाएगा। जैसे कि स्नैपड्रैगन 8CX में आपको एड्रीनो 680 एक्सट्रीम GPU देखने को मिलता है, जिससे आप दो डेडिकेटेड 4K मॉनिटर्स ऑपरेट कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। स्नैपड्रैगन 855 के कंपैरिजन में इसका जो प्रोसेसर है वो भी ज्यादा फास्ट है। स्नैपड्रैगन 8CX जो है ना, वो 16GB की LPDDR4 RAM को सपोर्ट करता है। ऊपर से इसमें USB 3.1 का सपोर्ट है, 4 PCI Express लेंस भी है। तो देखा जाए तो लैपटॉप के लिए काफी अच्छी चिप लगती है इस तरह से देखा जाए तो। लेकिन मैं फिर भी अभी भी यही कहूंगा कि उस वीडियो में मैंने जो बोला था ना वो अभी भी सही है, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 8CX है ना, ये ARM64 के डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब ये जो प्रोसेसर है, ये ARM बेस्ड जो एप्स और जो सॉफ्टवेयर होंगे उन्हें अच्छे से चला पाएगा, यानी कि जो एंड्रॉइड जो ARM बेस्ड है ये उस पे अच्छे से चलेगा। लेकिन जो आर्किटेक्चर X86 है, जिसपे ऑफिशियली इंटेल और AMD के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं ना, वो काफी ज्यादा एडवांस आर्किटेक्चर है। और जो प्रोफेशनल लेवल में आपको लैपटॉप्स और जो डेस्कटॉप्स देखने को मिलते हैं ना, तो वो भी X86 आर्किटेक्चर के लिए बनाया गया, क्योंकि वो ज्यादा एडवांस है और उसमें आपको ज्यादा अच्छी प्रोसेसिंग पावर देखने को मिलती है। और उस वर्जन को स्नैपड्रैगन 8CX कहीं से भी कम्पीट नहीं कर सकता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना विंडोज 10 बनाया है, जो कि ARM64 के ऊपर बेस्ड है। लेकिन उसमें भी यही कमी है कि उसके अंदर जो एप्स है ना, यानी कि जो प्रोफेशनल यूज के जो सॉफ्टवेयर है ना, वो उसमें है ही नहीं। और बात करें जो कंपनीज है ना, वो अभी भी ARM के डिजाइन के ऊपर अपनी नई नई एप्स को बना रही है। जैसे कि हाल ही में जो नया नाम है वो है मोजिला का, जिसने अपना स्पेशल वर्जन निकाला है फायरफॉक्स का, जो ऐसे टैबलेट्स और जो कंप्यूटर्स हैं ना उनके लिए बनाया गया है। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी भी ज्यादा विंडोज की एप्स नहीं है, यानी कि विंडोज तो है लेकिन उसके अंदर जो एप्लीकेशंस आप यूज करना चाहते हो, जो प्रोफेशनल लेवल की एप्लीकेशंस होती है ना, जिनके अंदर आप कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो या फिर और किसी तरीके का प्रोफेशनल यूज कर सकते हो ना, तो वो आपको ARM64 के लिए देखने को मिलती ही नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह कि अब धीरे धीरे डेवलपर्स इसके लिए बनाने लगे, तो क्या पता इसके लिए आपको फ्यूचर में और ज्यादा एप्स देखने को मिल जाए। और आने वाले समय में जब इसके जो लैपटॉप्स रिलीज होंगे 2019 में, तब हो सकता है आपको थोड़ी सी ज्यादा एप्स देखने को मिले, लेकिन तब भी ये नॉर्मल डेस्कटॉप और पीसी के कंपैरिजन में काफी कम रहेंगी। और पीसी और डेस्कटॉप के लेवल पर जाने में अभी इसे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा, जो स्नैपड्रैगन 8CX है ना, ये जो प्रोसेसर है स्पेसिफिकली विंडोज के लिए नहीं बनाया गया है, इसको क्रोम OS को ध्यान में रख के भी बनाया गया है। यानी कि जो क्रोम बुक्स होती है, जो पिक्सल बुक है या फिर जो पिक्सल स्लेट अभी लॉन्च हुई थी, तो आने वाले समय में जो उनके जो नेक्स्ट वर्जन होंगे ना, तो उनके अंदर आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा और वो क्रोम OS के ऊपर चलेंगे। यानी कि आने वाले समय में जो लैपटॉप और जो टैबलेट्स जो क्रोम OS के ऊपर चलेंगे ना, तो उनके अंदर आपको ये चिप देखने को मिलेगी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इस चिप के लिए आपको कोई डेडिकेटेड कूलिंग नहीं डालनी पड़ती और ये कंपैरेटिवली दूसरे प्रोसेसर से ज्यादा फास्ट है। और ऊपर से क्रोम OS एंड्रॉइड एप्स को भी रन कर सकता है, जो स्पेसिफिकली इस काम के लिए बनाई गई है, और उन एंड्रॉइड एप्स पे आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो प्रोसेसर है क्रोमबुक्स और पिक्सल स्लेट के लिए बनाया गया है, यानी कि आने वाले समय में इसके ऊपर लैपटॉप्स आएंगे, लेकिन ज्यादातर जो चीजें चलेंगी ना वो क्रोम OS के ऊपर चलेंगी। अब बात करें जो अगला पिक्सल स्लेट का जो टैबलेट आएगा, जो स्नैपड्रैगन 8CX के ऊपर चलेगा, जो आपको 2019 में देखने को मिलेगा ना, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी ना वो काफी ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उसके अंदर काफी अच्छी चिप लगाई गई है। और जो फोन स्नैपड्रैगन 855 के ऊपर आएंगे ना, तो ये उनसे भी ज्यादा फास्ट रहेगा। तो देखा जाए तो उस समय का जो पिक्सल स्लेट होगा वो डायरेक्टली कम्पीट करेगा iPad Pro के साथ, क्योंकि iPad Pro काफी अच्छी मशीन है, वो काफी ज्यादा फास्ट है, वो आईफोन से भी ज्यादा फास्ट है। और इसलिए स्नैपड्रैगन 8CX आया है, ताकि गूगल एंड्रॉइड और क्रोम OS के ऊपर एक ऐसे टैबलेट्स को बना सके जो डायरेक्टली iPad से कम्पीट कर सके, क्योंकि आज की डेट में एंड्रॉइड के पास ऐसे टैबलेट्स है ही नहीं जो डायरेक्टली iPad से कम्पीट कर सके। तो बेसिकली स्नैपड्रैगन 8CX के लैपटॉप्स आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं, लेकिन ये विंडोज के ऊपर कम होंगे और ये क्रोम OS के ऊपर ज्यादा होंगे। लेकिन तब भी अगर हम बात करें लैपटॉप और डेस्कटॉप का कम्प्लीट रिप्लेसमेंट होंगे, तो ऐसा इतनी जल्दी होने नहीं वाला है। और मेजोरिटी जो लैपटॉप्स और डेस्कटॉप आपको 2019 में भी देखने को मिलेंगे ना, तो उनके अंदर भी आपको इंटेल और AMD की चिप देखने को मिलेगी, उसके अंदर भी कोई आपको स्नैपड्रैगन देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में बताओ कि आप लोग कोई ऐसा टैबलेट लेना प्रेफर करोगे जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8CX देखने को मिले, तो ये बात नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।